यह कहानी NCERT की कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। इसका एनिमेटेड रूपांतरण सार्ट द्वारा प्रस्तुत है। इस कहानी का नाम है बंदरबांट। यह कहानी दो बिल्लियों की है जिनके बीच एक रोटी को लेकर झगड़ा हो गया। तभी वहां बंदर आया और उनको झगड़ा सुलझाने की सलाह दी। आइए देखते हैं कि कैसे बंदर ने एक रोटी को दो बिल्लियों के बीच बांटा। आइए आपको लिए चलते हैं बंदरबांट की ओर। एक समय की बात है, एक काली और एक सफेद बिल्ली अच्छी दोस्त होती हैं। हमेशा की तरह एक दिन वे दोनों मिलती हैं। सबसे पहले वे एक दूसरे को नमस्ते करती हैं और फिर बातचीत करना शुरू कर देती हैं। बातचीत के दौरान सफेद बिल्ली काली बिल्ली से कहती है, अरे काली, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं भी कुछ खाने की खोज में निकली हूँ। काली, मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। मेरी नाक बता रही है कि रोटी यहीं आसपास रखी है। हाँ, वे देखो, सामने उस मेज पर। मैं रोटी ले तो आऊं, पर डर लगता है कहीं कोई आ न जाए। तुम डरती रहो, मैं तो इसे लेके चली। अरे अरे रुक काली, कहाँ भागी जाती है मेरी रोटी लेकर। लो, हो गया दोनों बिल्लियों में रोटी लेने के लिए झगड़ा शुरू। सफेद बिल्ली कहती है, मैंने पहले देखी। काली बिल्ली बोली, जो पहले रोटी को दौड़ कर ले उसका हक पहले है। दोनों रोटी पर अपना हक जताती हैं। दोनों मेरी रोटी कहती हुई झगड़ती हैं और एक दूसरे पर गुर्राती हैं। झगड़ने की आवाज सुनकर वहाँ बंदर आ जाता है और कहता है, तुम दोनों मेरी रोटी कहकर क्यों झगड़ती हो? यह रोटी किसकी है? चलो इसका फैसला कर देता हूँ, चलो कचहरी। बंदर दोनों के हाथ से रोटी छीनता है और लेकर चल देता है। दोनों बिल्लियाँ भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। बंदर एक मेज पर बैठ जाता है और रोटी को सामने रख देता है। बिल्लियाँ मेज के सामने खड़ी हो जाती हैं। सफेद बिल्ली, पहले तुम बताओ, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? श्रीमान, रोटी पर सबसे पहले मेरी नजर गई थी, इसलिए इस पर पहला हक मेरा बनता है। नहीं नहीं श्रीमान, रोटी पहले मैंने छपती थी, इसलिए इस पर पूरा हक मेरा है। यह रोटी मैंने अपनी दोनों आँखों से देखी थी। हाँ, ऐसे तो मैंने भी दोनों पैरों से रोटी छपती थी, इसलिए यह मेरी है। क्या वहाँ कोई गवाह था जो तुम दोनों की बात को सच साबित कर सके? नहीं, वहाँ कोई भी नहीं था। अरे, फैसला हो गया, तुम दोनों के पास कोई भी गवाह नहीं और मैं ही तुम दोनों अपनी बात साबित कर सकी, इसलिए तुम दोनों को रोटी तोड़कर बराबर दी जाएगी। मेरे पास एक धर्म काटा है जो यह काम करेगा। बंदर मेज के नीचे से तराजू लाकर रोटी के दो हिस्से करके तराजू के दोनों पलड़ों पर रखता है। एक पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे रहता है। हर बार भारी हिस्से में से
बंदर थोड़ी सी रोटी तोड़कर खाता है। अरे रोटी तो हर बार कम होती जा रही है। दोनों बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, पर वह हाथ मलती हुई एक दूसरे को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। रोटी के टुकड़े बराबर करने के चक्कर में खा खा कर मेरा तो मुंह और ये तराजू पकड़े पकड़े मेरा हाथ थक गया। श्रीमान आप थक गए हैं ना, इसलिए आप इस तराजू को रख दीजिए। जी बिल्कुल, और बचा खुचा जो है वो हमें दे दें, हम उसे आपस में बांट कर खा लेंगे। नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ा करोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही खत्म कर देता हूँ, ये बचा खुचा खा लेता हूँ। यह कहकर बंदर बची हुई रोटी खा लेता है और अपना तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ बेचारी एक दूसरे का मुंह ताकती रह जाती हैं और कहती हैं, हमारी बुद्धि ही खराब हो गई थी जो आपस में झगड़ा करने लगी, इसी का फायदा उस बंदर ने उठाया, हमारी रोटी खा गया और हम भूखे रह गए। तो बच्चों बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और बताइए आपको इस कहानी का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? आपने इस कहानी से क्या सीखा?